तो आज यहाँ पे मैंने बनाए थे पोहे, और पोहे देखिए कैसे खिले खिले बने हुए हैं। तो बस इनके टिफ़िन में मैं डाल रही हूँ, और ये व्लॉग है मेरा मंगलवार बुधवार का मिक्स व्लॉग है। और मंडे को जो मैंने बनाया था दही बल्ले और जो गुड़ के पोहे बनाए थे, गुलगुले बनाए थे, वो छोटे वाले टिफ़िन में डाल रही हूँ मैं। अगले दिन बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं खाने में, तो वही दोनों ऐड करके मैंने डाल दिए हैं दोनों का टिफिन में। और बस इनके चले जाने के बाद आज मैं भी खाऊंगी दही बल्ले। मैंने टेस्ट नहीं किए थे मंडे को, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। मैं फ्रिज में से निकालूंगी, उस दिन मैंने फ्रिज में डाल के रख दिए थे टिफ़िन में इस तरह से, और अब मैं डाल के खाऊंगी, अपने लिए तैयार करूंगी अब। और ये चटनी मंडे को बनाई थी, फ्रिज में रखी रखी इतनी गाढ़ी हो गई है, देख सकते हैं आप, बहुत गाढ़ी हो गई है। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं यहाँ पे आराम से खा रही हूँ। और बेटे का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, और एग्ज़ाम की नोटबुक किसी बच्चे ने गलती से उसकी सैटरडे को अपने बैग में डाल ली थी, मिस्टेक से, वो अपनी समझ गए, तो इसीलिए आज थोड़ा टेंशन भी है कैसा एग्ज़ाम दे के आएगा, क्योंकि उस दिन उसने पढ़ाई ऐसे की। मैं बताती हूँ अभी आज आपको। बेटे का एग्ज़ाम था इंग्लिश का, और इंग्लिश की अब सोचिए नोटबुक इसकी जो है गुम हो गई थी। सैटरडे को इसको पता चला कि नोटबुक घर आने के बाद चेक किया, नोटबुक तो है ही नहीं। और फिर संडे की छुट्टी थी और मंडे की भी छुट्टी थी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं इसके, तो बोले कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक दिन या एक दिन छुट्टी एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो 31st की छुट्टी थी, और बस फिर क्या, एग्ज़ाम ये देख के आया है इंग्लिश का, इस तरह से दिख रहा है आपको। और इसकी तैयारी घर पे करवाई फिर बाद में, क्योंकि नोटबुक तो मिली ही नहीं। अब सोचिए उस बच्चे का क्या होता है जब नोटबुक गुम हो जाती है, और उसका अगले दिन उसी नोटबुक, उसी इंग्लिश का एग्ज़ाम था इसका। तो तैयारी फिर एक बच्चे की नोटबुक ली और उससे जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक की, प्रिंट आउट निकाल के उनको पढ़ाया, बेचारा क्या करे। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। अब वही है ना, हम बोलते हैं यहाँ पे चीज़ें होंगी तो फिर वो भूलेगा नहीं। नोटबुक नहीं थी फिर भी इसका अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ एग्ज़ाम, है ना विमान, बढ़िया हुआ। एक बार तो टेंशन हो गई थी कि नोटबुक बिना कैसे होगा एग्ज़ाम, पर चलो अब सब ठीक है। आगे से ध्यान रखोगे नोटबुक का, छुट्टी के टाइम चेक करके तब लेके आया करो, ठीक है। और अभी मैं यहाँ बना रही हूँ खिचड़ी। बस आज सब्जी रोटी बनाने का मन नहीं है, बच्चों को खाना है खिचड़ी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो धुला हुआ मूंग और चावल मैंने भिगो के रख दिया था, और उसको अब धो लिया है, 10 मिनट के लिए भिगोए थे मैंने। और धोने के बाद इस तरह से उसको छलनी में डाल के रख दिया है, क्योंकि अभी मैंने पहले ही सोच रखा है कि चलिए 20 दिन हो गए हैं घी जो है नहीं निकाला है, 20 दिन की मलाई यहाँ पर मेरी इकट्ठी हो जाती है। वैसे जब मैं गांव में रह रही थी तो वहाँ पे 1 वीक में ही मेरी इतनी मलाई इकट्ठी हो जाती है, जो यहाँ पे मेरी सिर्फ 20 दिन में इकट्ठी हुई है। बहुत कम मलाई आती है घी में, दूध में मलाई जो है गर्म करने पे कम आती है, तो वही मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पे मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है और पानी डाल दिया है, और उसके बाद मिनी रई को इसके ऊपर रख के फिर मैं स्विच ऑन कर दूँगी। मिनी रई से मेरा 3 मिनट में 2 मिनट में ही मतलब घी निकल जाएगा, तो बहुत कम समय लेती है। और पहले ये मेरे पास नहीं थी तो मैं हाथ से निकालती थी, वो एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और यहाँ पे मेरा बेटा आया है दूध लेके, तो दूध वाला अभी आया है, तो अभी मुझे दूध तो यहाँ पे मैंने बस 3 मिनट रई को चलाया था और तुरंत ही घी आ गया था, और फिर एक साइड मैंने रख दिया है, देखिए मैं दिखा रही हूँ घी कितना अच्छा आया है, और एक साइड मैंने रख दिया है दूध जो अभी आया था पतीले में,
और दूसरी साइड में खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। मुझे खिचड़ी बनानी है तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए घी। तो खिचड़ी हमेशा घी में ही छोकी जाती है तो बस वही। और इसमें घी डालने के बाद अब मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, 3 हरी मिर्च डाली है, 2 प्याज कट करके डाल दिए, उनको ब्राउन कर लूँगी अब चला के आराम से। उनको ब्राउन करने के बाद अब मैं डाल दूँगी टमाटर। ये वाली खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बच्चों के लिए हेल्दी भी है। और उसके बाद टमाटर गल जाएंगे थोड़ा सा चलाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। फिर से चला दूंगी और फिर मैं डाल दूंगी गर्म पानी में, ज़्यादा बॉयल पानी का यूज़ करती हूँ खिचड़ी जब मेरे को जल्दी चीज़ बनानी होती है, सब्ज़ी बनानी होती है। तो यहाँ पे 2 गिलासी मैंने गर्म पानी की डाल दी है और फिर डाल दी है मैंने मूंग की धुली हुई दाल और चावल जो मिक्स करके मैंने रखे हुए थे, जिनकी मैं अभी खिचड़ी बना रही हूँ। बस अब वो डालने के बाद फिर से चला लेंगे और बस अब इसको कुछ नहीं करना, हमें बस कुकर को बंद करना है और 2 सीटी लगवानी है। 2 सीटी के बाद इतनी अच्छी खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी हमारी। और तब तक ये सीटी लगेगी तब तक मुझे एक बर्तन में लेना है पानी, साफ ठंडा पानी ले लेंगे। और अब जो है घी निकालना है तो ये मिनी रई को पहले क्लीन कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद घी निकाल लूँगी मैं। तो यहाँ पे घी को पहले एक बर्तन में साफ पानी में निकाला, उसके बाद वही उसी पानी से एक मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इस कढ़ाई को गैस पे रख दूंगी और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, घी बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाएगा तैरता हुआ पीला पीला, तो वो शुद्ध घी मेरा बन के रेडी हो जाएगा जिसको मैं अपना खाने में पूजा में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो रई है इसको क्या बोलते हैं, मैं तो रई बोलती हूँ, मिनी रई की बढ़िया से क्लीनिंग कर दूँगी सफाई। और ये मैं सफाई कर दी है और इसको साफ करके कपड़े से अच्छे से पोंछ पोंछ के रख दूँगी, फिर कभी यूज़ करूँगी तब निकाल लूँगी इसका। बस ये ध्यान रखना होता है मोटर के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, बस मैंने बाहर बाहर से ही वॉश की है, जहाँ जहाँ स्टील है बस उसके नीचे नीचे वॉश करती हूँ, बाकी कपड़े से ही पोंछती हूँ, तो बस मोटर को ख़राब नहीं करना है तो वही। और यहाँ पे जो है मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ तो खिचड़ी में लगा रही हूँ मैं तड़का। खिचड़ी बनने के बाद मैंने आधी जो है प्याज रख ली थी कटी हुई खिचड़ी में डाली थी तब, तो अभी यहाँ पे घी डाला है 1 चम्मच और डालेंगे राई और प्याज, इन दोनों चीज़ों का मैं तड़का लगाऊंगी। अगर हींग है आपके पास तो हींग भी डाल लीजिए, मेरे पास हींग नहीं थी। और दूसरी साइड अब मेरा दूध गर्म हो गया था तो दूध हटा के मैंने रख दिया था घी बनने के लिए बिल्कुल स्लो गैस पे। तो देखिए आ गया पीला पीला एकदम बढ़िया से घी और इसको मैं छान लूँगी। और
एक साइड ये तो तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो ये तड़का भी ये बढ़िया से हो गई है प्याज इसमें फ्राई। और दो सीटी के बाद, जब ये सीटी आने के बाद मैंने कुकर खोला तो ये देखिए इस तरह से खिचड़ी बढ़िया बन गई है। तो अगर इसमें पानी सूखी रहती है तो थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए आप। और मेरी ग्रेवी इसकी ठीक थी खिचड़ी की, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ापन इसी तरह की पसंद आती है हमको। तो यहाँ पे मैं जो तड़का लगाया है वो तड़का डाल दिया है खिचड़ी में। तो तड़का लगाने के बाद इतनी टेस्टी बन गई थी ना, बहुत ही स्वाद आया था अच्छा सा। और मेरा बेटा आ गया था स्कूल से एग्ज़ाम देके, तो अब मैं उसको दे रही हूँ खिचड़ी डाल के। उसको बहुत भूख लगी थी तो ये वाली खिचड़ी जल्दी ही तैयार भी हो गई थी, और यहाँ पे जो है मैं उसी के लिए डाल रही हूँ। इसमें मैं यहाँ 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे, दही के साथ, पापड़ के साथ, अचार के साथ, जैसा अच्छा लगे बच्चों को वैसे आप बना के दीजिए, और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं अभी ऐसे ही दे रही हूँ। तो ये था मेरा एक व्लॉग आज का, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।